आज है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे। क्या आप जानते हैं इस दिन से जुड़ा है भारत का इतिहास? तो चलिए देखते हैं इस दिन से जुड़ी खास बातें। आज ही के दिन हम भारत रत्न विधान चंद रॉय को सलाम करते हैं, जिन्होंने मॉडर्न मेडिसिन में भारतीयों का विश्वास बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी। वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दोस्त और उनके निजी डॉक्टर थे। आजादी से पहले डॉक्टर रॉय जब बंगाल की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था का हिस्सा थे, तब जरूरत पड़ने पर नर्स की ड्यूटी भी करते थे। खाली वक्त मिलता तो प्राइवेट में मरीजों को बेहद मामूली फीस लेकर देखते थे। 1 जुलाई 1962 को डॉक्टर विधान चंद रॉय की जयंती को भारत में डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी के ही कहने पर बने बंगाल के सीएम। जी हाँ, आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर रॉय का नाम बंगाल के मुख्यमंत्री पद के लिए भी आगे बढ़ाया, मगर डॉक्टर रॉय डॉक्टर ही नहीं छोड़ना चाहते थे। गांधी जी की सलाह पर रॉय ने बंगाल के मुख्यमंत्री का पद स्वीकार लिया। बंगाल उस वक्त सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस चुका था। पूर्वी पाकिस्तान बनने के बाद से शरणार्थी बढ़ते चले आ रहे थे, बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी और खाने को पर्याप्त अनाज देश में नहीं था। ऐसे में डॉक्टर रॉय ने शानदार नेतृत्व दिखाया। 3 साल के भीतर ही बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बदल के रख दी। देश ने उन्हें 4 फरवरी 1961 को भारत रत्न से सम्मानित किया। सवा साल बाद 1 जुलाई 1962 को डॉक्टर रॉय का 80वां जन्मदिन आया और उस दिन उन्होंने सुबह से अपने मरीज देखे और बाद में सरकार का कामकाज भी संभाला। कुछ घंटों बाद उनका निधन हो गया। उनके सराहनीय कर्तव्य पद के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर राजधानी लाइव समस्त फ्रंटलाइन कोरोना योद्धा भगवान समान डॉक्टर्स की सराहना करता है। और भी इस प्रकार की खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।